नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मेरे साथ। राम की नगरी अयोध्या में वर्षे मासूम के साथ हुए हैवानियत को लेकर अभी भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मासूम जहां अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रही है, तो वहीं अयोध्या में रहने वाले महिला हो या युवा, सभी दोषियों को फांसी दिलाने की सजा की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में नया घाट से स्लोगन लिखे बोर्ड को लेकर मार्च निकाला गया। लोग इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। महिला ने कहा है कि जो दुष्कर्मी इसमें जितने लोग शामिल हैं, उन सभी को फांसी की सजा भरे बाजार में हो। अगर सुनवाई की गई तो अयोध्या बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में युवा के साथ लड़के और महिला भी शामिल रही। दरअसल अयोध्या के येलो जोन स्थित हनुमानगढ़ी के निकट दिगंबर अखाड़ा परिसर में चल रहे भंडारे के आयोजन में लगे टेंट का कार्य करने वाले लेवर राजन माझी की एक 7 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो वहीं इस दरिंदीज ने मासूम को मारने की भी कोशिश की, लेकिन अभी विवाह मासूम अपनी इस जिंदगी मौत के सफर से जूझ रही है। अयोध्या पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ इस घटना की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी लोगों की नाराजगी है कि इस दरिंदे के साथ देने वाले अभी भी सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता मनोज यादव की अयोध्या से यह रिपोर्ट। ये हमारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उसके लिए उसकी न्याय है। आज अभी हमारी बेटी जिंदा है, हम उसके उसके न्याय के लिए रैली निकाल रहे हैं। हमारी क्या मांग करती है सरकार से? हमारी मांग है कि जो दुष्कर्मी है, जितने लोग शामिल हैं, सबको फांसी की सजा हो। अब भरे बाजार में हो, योगी जी महाराज के सामने